हेलो बच्चों, मेरा नाम छायापति वकील वार आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूं आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा अब आज जो पढ़ाने वाली हूं वो क्या पढ़ा रही हूं वो बाद में बताऊंगी, पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक स्टोरी किसकी है, एक बालक की है जो कि जिसका नाम था क्या, वरभराज। ठीक है, तो वरभराज क्या था, तो वरभराज का स्टोरी ये है कि वो बहुत ही भोंदू बच्चा था। ठीक है, भोंदू बच्चे कैसे आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, जो कि आपको पता है कि अभी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, तो इसकी स्टोरी सुन के आप थोड़ा सा अपने ऊपर उसको लागू करें। तो वरभराज जो बालक था उसकी स्टोरी में ये, वो बहुत भोंदू बच्चा था, वो एक आश्रम गया और आश्रम में उसको शिक्षा के लिए उसके पिताजी भेज दिए। तो शिक्षा लेने के लिए वो आश्रम गया और आश्रम में क्या किया, वो पढ़ता था बाकी बच्चों के साथ, और गुरुजी है भाई, टीचर तो होता ही पढ़ाने के लिए। तो गुरुजी आए उसके, मतलब उसके टीचर से आए उसको पढ़ाने के लिए, गुरुजी हम बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गुरुजी आश्रम में पढ़ाए और लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पा, जितना भी पढ़ाओ समझता ही नहीं था। मेरे क्लास में एक बच्चा था सेम वही है, कितना भी पढ़ा लो भोंदू का भोंदू था, कुछ नहीं समझता था। तो उसके गुरुजी क्या किए, तो इतना पढ़ाने के बावजूद भी समझता नहीं है, बाकी के बच्चे आगे आगे होते गए और वो पीछे का पीछे रह गए। कितना भी पढ़ाओ भाई, उसके दिमाग में जाते ही नहीं था, वो पढ़ना नहीं चाहता था, वो एटलीस्ट वो पढ़ना चाह रहा था लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। ठीक है, और वो प्रेशर में था, डिप्रेशन में आ रहा था बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, गुरुजी उसको बोले कि भाई तू अब घर जा, यहाँ फालतू टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, तो आप जाओ अपने घर करके ना, यहाँ आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको ध्यान ही नहीं देना है पढ़ने में, ऐसे उसको भेज दिए। तो वो अपना पकड़ा बोरिया बिस्तर लेके अब जा रहा था, जैसे ही वो जा रहा था अचानक से उसके सामने एक कुआं दिखा। कुआं दिखा तो फिर वो भाई खाना पीना उसको लगा कि थोड़ा पानी पी लो, तो वो कुआं के पास गया और कुएं के पास देखा कि उस कुएं का जो साइड होता है ना, जैसे कुआं है साइड में ऐसे कुआं है, तो कुएं के बगल में आप देखोगे कुआं का यहाँ पर पत्थर पत्थर जो होता है टूट जाता है। कब टूटता है, जब यहाँ पर एक रस्सी लगी हो और रस्सी से जब हम पानी खींचते हैं तो वो टूट जाता है पत्थर, है ना। तो अब उसको देख के समझ आया कि भाई एक छोटा सा रस्सी जो है इस पत्थर को रगड़ रगड़ कर क्या कर दिया है, वहां पर तोड़ दिया। पत्थर जैसी चीज को एक रस्सी तोड़ दे पॉसिबल नहीं लगता ना, लेकिन ये पॉसिबल हुआ। कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहा है प्रैक्टिस, मतलब कंटिन्यू उसको घिसा जा रहा है ना वहां से, तो वहां से क्या हुआ, वो पत्थर टूट गया। तो उसको थोड़ा सा रियलाइज हुआ, अपने समझ आया कि मैं इतना जब मैं कब तक, मतलब जब तक मैं कोशिश करूंगा जब तक मैं उस चीज को सीख ना जाऊं। कहने का मेरा मतलब इतना, मतलब जो स्टोरी बताने का मतलब मेरा ये था कि आप कंटिन्यू यदि परिश्रम करते हो, निगेटिव चीजों को सोच लो कि पापा क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेगी, फ्रेंड क्या बोलेंगे, अदर चाचा मामा क्या बोलेंगे, इसको चीज को हटा दो, आप उस चीज में लगे रहो, आप परिश्रम करते जाओ, आप अपने आप को तब तक घिसो जब तक आप खुद ना चमक जाओ। तो कहते हैं ना, असफलता इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको सफलता हरा ना दे। ठीक है, तो असफलता बहुत छोटी चीज है, हम उसको बड़ा बना दिए हैं, सफलता उसके आगे बहुत बड़ी चीज है। तो यहां पर एक स्टोरी मेरी खत्म होती है, आशा करती हूं इससे कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो मैं बताने की कोशिश करूंगी, हमारा जो मिशन है 2023 का एग्जाम सीरीज जो चल रहा है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं तैयारी जीत की करेंगे भाई। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना आप लोगों को मेरे साथ करना है, यानी कि छाया खिलवाड़ के साथ करना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको 70 नंबर कहीं नहीं जाने हैं, मैं आपको पूरा दिलवा के रहूंगी, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो आप उस 70 नंबर के लिए मेरे साथ भागते रहिए, दौड़ते रहिए, जैसे मैं दौड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को तो मेहनत करना बनता है। ठीक है, तो कमेंट करते जाइए भाई कि कितने लोग मेरे साथ जुड़ करके मेहनत कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो आज क्या हम देखने वाले हैं, जीव विज्ञान कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। छोड़ दो भाई आलस करना, एक महीना बस बचा हुआ है, जुड़े रहो छाया मैम के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या
हमारा आज का यूनिट फर्स्ट, और यहाँ यूनिट फर्स्ट से यहाँ से मैं चार जो चैप्टर हैं वहां से दो अंक के क्वेश्चन उठाने वाली हूँ कि दो अंक के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो भी ये मिल जाएगा, आने वाले और कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मिलते जाएगा। तो फिर घबराने की बात नहीं है, आप मेरे से जुड़े रहे, खत्म करेंगे हम, मिल बांट के खत्म करने वाले हैं हम सब, ठीक है, एक महीने में। चलिए तो चारों चैप्टर को देखते जाइए। जीवों में जनन है, पुष्पी पादपों में जनन, जनन जनन जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्या, जो कि आया है 2019 में, आया है सेट ए बी में, ठीक है। तो 2019 से यहाँ पर 2020 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहते थे? याद होगा आप लोगों को जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था वन मार्क्स के क्वेश्चन, वहां पर मैंने सिर्फ क्लोन की बात की थी। अब भाई क्लोन का राजा आ गया क्या, दो मार्क्स का क्वेश्चन। तो दो मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया, क्या बन गया यहाँ पर, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्यों बोलते हैं क्लोन। हमने क्या पढ़ा था, आकार की और अनुवांशिक रूप से समान था इसीलिए हम उसको क्लोन कहते थे। दिमाग की बत्ती जल गई कि नहीं जली है भाई, तो जला लो पटाख से, मोमबत्ती जलाओ मोमबत्ती, ठीक है। तो यहां पर से याद रखेंगे वही दो मार्क्स के क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन मैं बना देती हूं यहां पर। सबसे पहले ये शब्द जो लिखा है जनन, ठीक है, तो ये जनन जो शब्द लिखा है, पहले तो मुझे ये बताओ भाई जनन क्या है, तो आगे बढ़ेंगे अलैंगिक जनन में क्या है, ठीक है। तो जनन क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अपने ही समान अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। सबको पता है, छठवीं का बच्चा जानता है, और नहीं जानते आप लोग तो भाई मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो जनन के दो प्रकार होते हैं, अपने ही समान, अभी मैंने क्या कहा, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। भैया मैडम तो बोल दी अपने समान, एग्जाम्पल तो बता दो मैडम, है ना। तो मैडम बताएगी क्या कि कुत्ता, भाई कुत्ता कुत्ते को ही पैदा करता है, कुत्ता इंसान को पैदा कर देता है क्या, नहीं करता, वो क्या करता है कुत्ते को ही जन्म देता है। बिल्ली, बिल्ली बेचारी बिल्ली को ही पैदा करती है, वो मुझे पैदा नहीं करती ना, इंसान को पैदा नहीं करती है ना। वैसे ही मनुष्य की प्रजाति मनुष्य को ही पैदा करती है, ना कि मनुष्य की प्रजाति बंदर को उत्पन्न कर देती है, ना ही बिल्ली ना ही हाथी, ठीक है। तो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना ही कहलाता है बेटा क्या, जनन कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपने देखा मनुष्य की बात की, एग्जाम्पल में आपने देखा कैट की बात हो गई, डॉग की बात हो गई, है ना, ह्यूमन की भी बात हो गई। तो इसी को कहते हैं जनन कहते हैं। ये भी दो नंबर का क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे, इसी में बताते जा रही हूं बहुत कुछ। अब आते हैं जनन के प्रकार। तो जनन के होते हैं बच्चे दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है जनन के, देखो ये हमने लिख दिया क्या, जनन। और जनन के कितने प्रकार हो गए भाई, दो हो गए। एक हो गया क्या अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या हो जाता है क्या, लैंगिक जनन, ठीक है। अब अलैंगिक जनन क्या होता है ये भी सुन लो, क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या बोलोगे। तो एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक सेल यदि एक नए संतान की उत्पत्ति करता है अपने ही समान तो उसको हम बोलेंगे अलैंगिक जनन, ठीक है। और लैंगिक जनन दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में, जैसे ह्यूमन क्या है, एक तरफ मादा और एक तरफ क्या है आपका नर जनन है, एक तरफ मादा जनन है, तो दो विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ती है, इसको हम बोलते हैं क्या, लैंगिक प्रजनन अंग कहते हैं। समझ आ रहा आप लोगों को। तो अलैंगिक जनन से जो भी बच्चे उत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे अलैंगिक जनन से संतान को क्लोन क्यों बोले, क्योंकि इनके बच्चे जो होंगे यानी कि जैसे अमीबा की मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, आप लोगों को याद होना चाहिए कि अलैंगिक जनन में मतलब क्या है भाई, मैडम क्या बोल दी, मतलब सोचो मतलब वही अमीबा अपने समान दो बच्चे पैदा कर दी तो उसके जो शरीर की आकृति है, आकार है, अनुवांशिक पदार्थ है यानी कि डीएनए, वो किसके समान है, वो पेरेंट के समान होगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद करो, उसी को तो हम क्लोन कहते हैं भाई साहब, क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो वापस आ जाओ यहीं आते हैं, ठीक है। चलो तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति आकार की व अनुवांशिक रूप से एकमात्र जनक के समान होती है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोन कहते हैं। आई होप ये चीज आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, समझ आ गया होगा, तो कमेंट करो भाई यस मैम करके, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वपरागण की कोई दो हानियां लिखिए, पूछा है। तो भाई स्वपरागण पढ़ने के पहले हम क्या पढ़ते हैं, याद करो, पुष्पी की संरचना पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, पुष्प के बारे में बताया था। ये पुष्प गया हमारे पास में, ठीक है, ये हमारा क्या है, पुष्प है भाई। तो पुष्प में ये क्या होता है भाई, हमने बता चुका है क्या, अलग से याद रखो आप लोग, बाह्य दल, है ना, ये हो गया आपका क्या, बाह्य दल हो गया, ये हमारा दल हो गया। यहीं पर और दो तीन क्वेश्चन बताने वाली हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा बाह्य दल, ये हो गया हमारा दल, ये हो गया हमारा पुमंग, ठीक है, ये क्या है, पुमंग। और ये पूरा जो है यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं क्या, जा यांग कहते हैं, कंप्लीट। और ये हो गया हमारा अंदर का है, इसको हम क्या कहते हैं, बी जांड कहते हैं, ठीक है, इसको हम थैलेमस कहते हैं, यानी कि पुष्पासन, पुष्पासन यानी कि थैलेमस कहते हैं, कंप्लीट है यहां तक। चलिए अब यहां पर देखेंगे क्या कि पुष्प की संरचना, तो ये तो आपको बताना है, पूछा गया क्वेश्चन है इसमें आवश्यक चक्र किसे कहते हैं और सहायक चक्र किसे कहते हैं। यानी कि पुष्प की अगर हम संरचना को ध्यान से देखेंगे, भाई सुंदर सा फूल है, सुंदर सा पुष्प है, लेकिन हम क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक पूछा है आपका क्या, आवश्यक चक्र पूछा है, और एक पूछा है क्या, सहायक चक्र, ठीक है, क्या पूछा है, सहायक चक्र। अब ये क्या है भाई, है ना, ये कौन आ गया, आवश्यक चक्र, सहायक चक्र, अचानक से मैडम चेंज कर दी क्वेश्चन, क्योंकि आया है बेटा आपके पेपर में। अब क्या है, थोड़ा सा मेरा आवाज बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने में भी पढ़ा सकती हूँ, है ना, एनर्जी लगा सकती हूँ, मैं हूं ना, ठीक है। तो चलो, तो आवश्यक चक्र किसको बोलेंगे भाई, जो प्रजनन, देखो क्वेश्चन में आया एक और क्वेश्चन है कि क्या जो पौधे होते हैं उसमें का प्रजनन अंग कौन सा होता है, बाकी सब कायिक भाग होते हैं, लेकिन पुष्प ऐसा भाग होता है बच्चों, पुष्प ऐसा भाग होता है जो कि प्रजनन अंग होता है, पुष्प ही जो है वो प्रजनन अंग का भाग होता है, और उसी में नर जनन अंग है और उसी में मादा जनन अंग होता है, ठीक है, यानी कि द्विलिंगी होते हैं, आगे बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो पुष्प में क्या पूछा, आवश्यक चक्र कौन सा और सहायक चक्र कौन सा है, भाई बताओ बताओ, पढ़े हो, पढ़े हो, कमेंट करो, पढ़े हो तो यहां पर आंसर दोगे आप लोग, मैं भी दे रही हूं, आप लोग कमेंट में देते जाओ, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आवश्यक चक्र पूछेगा जो प्रजनन में भाग लेगा, जो प्रजनन में भाग ले रहा है, निषेचन करेगा, नए बच्चे उत्पन्न करेगा, नई संतति उत्पन्न करेगा, वही तो आवश्यक है ना, और क्या है। तो यहां पर याद रखोगे आवश्यक चक्र क्या है, यहां पर पुमंग और जायांग जो है, यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम जो होता है, यही आपका आवश्यक चक्र कहलाता है, कंप्लीट है। यहां पर याद रखेंगे ये और ये दोनों क्या है, आवश्यक है भाई, आवश्यक है, प्रजनन करेगा तभी तो संतान उत्पन्न करेगा ना। चलिए अब आते हैं सहायक चक्र की, भाई सहायता देने के लिए कोई तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए, तो यहाँ पर बाह्य दल और दल जो होता है वो क्या करता है, सहायता करता है, भाई आप प्रजनन करो, हम सहायता दे रहे हैं, ठीक है। तो सहायक चक्र में आ गया बबुआ दल और बाह्य दल है, ठीक है, और बाकी पुमंग और जायांग क्या है भैया, तो क्या आ गया, आवश्यक चक्र आ गया, ठीक है। तो आगे आप लोग को याद रखना है बच्चों कि यहां पर से पेपर में पूछा गया है आवश्यक चक्र और सहायक चक्र के बारे में, ठीक है। एक तो पुष्प का, फूल के बारे में पूछा है कि भाई फ्लावर का डायग्राम बनाओ, पुष्प की संरचना बनाओ और नामांकित करो, तो बना दो भाई, क्या दिक्कत है, इतना लिखो खत्म करो, और ज्यादा और लिखना है तो फिर पुमंग को भी एक्सप्लेन कर दो, क्या लिखोगे, पुमंग का ये ऊपर का क्या होता है, पराग कोश, पराग कोश, आगे डायग्राम दिखा दूंगी, ज्यादा ये दिक्कत हो गया तो, ये होता है योजी, ठीक है, योजी, इसको बोलते हैं पुतंतु, सब इसी में आ गया, देखो योजी पुतंतु, तो पराग कोश, योजी पुतंतु, पुमंग का भाग हो गया और नर की मादा की, ये किसका है, नर का, ठीक है, इसको नर बोलते हैं, नर, पुमंग क्या है भाई, नर है, मादा मत कर देना,
कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों का। तो ये है आपका पूमा, और ये जो आपका अंदर का जो भाग दिख रहा है इस तरीके से, ये हमारा क्या है भाई, मादा है, बेचारी छोरी है, ठीक है। तो ये जो छोरी है यानी कि मादा जो है ऊपर में, इसको हम कहते हैं क्या, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये हो गया वर्तिका, पूछा गया है लिखो अपनी कॉपी में, डायग्राम बनाओ, ठीक है, वर्तिका। और ये क्या हो गया, अंडाशय। तो ऐसे पेपर में जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बोलेगा भाई पुष्पी की संरचना बनाओ, उसको नामांकित करो, तो बना दिए और नामांकित भी हम कर दिए, इतना करना, और बीज का भाग लिख देना बीजान, और बीजान के अंदर होता है बीज, खत्म। इतना करोगे तीन नंबर कहीं नहीं गया, और पांच नंबर का आएगा तो एक्सप्लेन कर देना उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वपरागण की विधि कोई दो, मतलब हानि बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमने पुष्पी की संरचना बना दिया, तो स्वपरागण पढ़ने से पहले हमको परागण की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने ये भी बताया था, आप लोगों को याद होगा कि परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, पराग कोश, पराग कोश से, पराग कोश से पराग कण का निकल कर, ठीक है, पराग कोश से, पराग कोश क्या है, ये पुमंग याद आया, पुमंग नरजनन अंग, तो पराग कोश है, तो पराग कोश में क्या है, पराग कण है, पराग कण है का निकल कर, अब निकल कर या तो वो हवा के माध्यम से चला जाए, है ना, या तो वो हवा के माध्यम से चला जाए, हो सकता है वायु के माध्यम से, या तो वो पानी के माध्यम से चला जाए, या तो वो किसी कीट के माध्यम से चला जाए, करेक्ट है ना। तो कीट के माध्यम से भी जा सकता है भाई साहब, यहाँ पर तीनों के माध्यम से लेकर जा सकता है, ये भुनभुनाती हुई है करके देखने के लिए नहीं है, ये क्या करता है, ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है, किसको, किसको करेगा, पराग कण को करेगा। तो पराग कण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का, लेकिन आपको कहां ले जाना है, ये तो भाई यहां पर से नर था, नरजनन अंग है, पराग कण निकल कर दूसरे, या तो उसी पौधे के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, या तो उसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर भी जा सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं परागण की क्रिया। अब क्या, दूसरे पौधे के एक ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर यानी कि वर्तिकाग्र पर गया और निषेचन की प्रक्रिया हुई, तो इसी को हम लोग लेंगे क्या, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। अब परागण की प्रक्रिया दो तरीके से, स्वपरागण और परपरागण, तो ये क्या है भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं, स्वपरागण और परपरागण, चलो इसी को हम देखते हैं स्वपरागण और परपरागण में, ठीक है। तो चलो यहां पर देखो, स्वपरागण और परपरागण क्या है भाई, यहीं पर लिख देती हूँ स्वपरागण, ठीक है। चलो एक फ्लावर बना दिए हम, ठीक है भाई बना दिए तो क्या दिक्कत है, बना दो। तो ये एक फ्लावर है, और यहां पर हमने क्या बनाया, यहां पर हमने एक पराग कोश बना दिया, एक फ्लावर हो गया। अब यही पर एक जो है, तो इसी में मैं एक और बना देती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बनाया, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देती हूँ, ठीक। तो यहाँ पर एक और फ्लावर बना देते हैं, क्या दिक्कत है, एक और फ्लावर बन गया, ठीक है, ऐसा बना देते हैं, कोई समस्या थोड़ी ना है। चलो यहाँ पर हो गया, तो एक फ्लावर, एक ही पौधा है, और एक पौधे में दो फूल खिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुष्प तो खुलते ही हैं। तो यहां पर याद रखोगे, एक ही पौधे है, एक ही पौधे के, या तो उसी पौधे के पराग कोश से, पराग कोश हो गया, पराग कोश, ठीक है, कोश, ठीक, और ये क्या है, पराग कण हो गया, उसी पौधे के अगर वर्तिकाग्र पर जाए, वर्तिकाग्र पर जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण की प्रक्रिया कहते हैं, समझ आ रहा है। या तो उसी पौधे के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो स्वपरागण होगा, या तो उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर भी जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे स्वपरागण ही कहते हैं, ठीक है। सिर्फ फूल, अगर प्लांट तो एक ही है, फूल दो हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी में जाएगा तो स्वपरागण। लेकिन यदि मैं एक और फ्लावर यहाँ बगल में बना दूं, यहाँ दूसरा पौधा बना देती हूँ, और इस दूसरे पौधे पर, ठीक है, और इस दूसरे पौधे पर हम क्या कर दिए हैं, एक ये फ्लावर यहाँ पर खिला हुआ है, और इस दूसरे पौधे पर मान लो जाए, इस
एक पुष्प मतलब एक पौधे के पुष्प का पराग कोष का पराग कण निकल कर एक ही जाति का है ना, लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प के ठीक है वर्तिकाग्र, मान लो जो यहां पर पराग कोष है और यहां पर पराग कण है, तो ये दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर अगर ये गया, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर ये गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, पर परागण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पर परागण हम इसको कहते हैं, याद रखोगे। ठीक है, यहां पर समझ आ रहा है। देखो स्वपरागण उसी पुष्प के, ठीक है, उसी पौधे के, अब चाहे वो पुष्प दो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे स्वपरागण। पर परागण में क्या करें, सीधे सीधे दूसरा पौधा ले लिए और दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर अगर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा कि भाई इसकी हानियां क्या है, भाई देखो हानि अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है कि स्वपरागण की अगर दो हानि पूछे तो सब दो ही बताओ, ऐसा तो एक ज्यादा भी आ सकता है, आप दो ही याद रखोगे। एक ही किस्म के पौधे विकसित तो हो जाते हैं भाई, उसी का उसी में जा रहा है तो सेम याद होगा ना, एक ही पौधे का क्या होगा, मतलब उसी के जैसे ही पौधा उगेगा, उसी के जैसे सीड रहेगा जो पेरेंट का है ना, दूसरे का कोई कैरेक्टर आएगा ही नहीं, वैसे ही मान लो जब वो खराब बीज आ रहा है, खराब पुष्प है, खराब पौधा आ रहा है, तो वैसे ही वैसे आएगा, हल्का बीज है तो हल्का ही पैदा होगा, अच्छा पैदा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ी सी हानि यहाँ पर लगती है। ठीक है, तो एक ही किस्म के पौधे विकसित होते हैं, फलों में बीज की संख्या अपेक्षाकृत कम होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, स्वस्थ नहीं होते, ये भी लिख सकते हो, स्वस्थ नहीं होते। ठीक है, स्वस्थ नहीं होते, ये भी आप लिख सकते हो, दो नंबर का क्वेश्चन आसानी से आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी क्या, स्वपरागण की हानियां। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, ये पुष्प का भाग था, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूं। नेक्स्ट आते हैं स्वबंधता, अब ये बबुआ ये कहा गया, तो भैया स्वबंधता बांध दिए क्या रे, ऐसा कुछ लग रहा है हमको। ठीक है, तो स्वबंधता क्या है भाई, स्वबंधता क्या है, कुछ नहीं है भाई, इसमें वही परागकण वाला, परागकण से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसको याद रखोगे। ठीक है, तो यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गए, तो गिर गए तो क्या हुआ, तो गिर गए तो निषेचन नहीं करेगा ना, तो निषेचन नहीं करेगा, तो इसी को हम क्या बोल दिए, स्वबंधता, खत्म भाई। स्वपरागण की प्रक्रिया हमने करवा दिया, उसी पौधे में, उसी पुष्प में भी करवा दिया, उसी पौधे के दूसरे पुष्प में भी करवा दिया, तो परागण की क्रिया हुई, लेकिन क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, निषेचन नहीं हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, स्वबंधता कहते हैं। ठीक है, कर दिए लेकिन निषेचन नहीं हुआ ना, तो इसी को स्वबंधता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे जान मारता है ना। प्रगुणता क्या है, तो प्रगुणता क्या है भाई, तो जब पौधों में, जब देखो प्रगुणता को ऐसा समझो कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बोलते ना घर में बीवी भी रहे ना तो फिर क्या करते हैं, दूसरे लोग दूसरे की बीवी को ध्यान देते, कुछ ऐसा ही हाल चाल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखोगे, पौधे में जब परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर अगर जाए, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाए तो बढ़िया 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 अंकुरित हो रहा है, लेकिन खुद के ऊपर जाए, खुद में मतलब अगर खुद के पौधों में, अगर खुद के पौधे के वर्तिकाग्र पर जाए तो यहां पर अंकुरण की प्रक्रिया बड़ी धीरे धीरे हो रही है, मतलब समझ रहे हो ना, दूसरे की, दूसरे वाली ज्यादा पसंद आ रही है, तो यहाँ पर सेम यही सिचुएशन हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लिखा है दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरे तो अंकुरण तो बढ़िया जल्दी हो जाएगा भाई, दूसरे ज्यादा ही पसंद आ रही है इसको, है ना, लेकिन जब उसी के पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरे तो क्या होगा, अंकुरण देरी से होगा। घर का खाना किसको अच्छा लगता है भाई, मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन घर की मुर्गी जो होती है ना वो दाल ही बराबर होती है कहते हैं, और इससे ही बात है। ठीक है, तो इससे पौधों में परागण की संभावना जो होती है, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रगुणता कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बड़ा डायलॉग देखो, प्रगुणता ऐसा लग रहा है हमने कभी सुना ही नहीं है प्रगुणता को, है ना, तो ऐसा चीज है, बस साइंस का थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत है, बाकी समझने में बहुत मजा आता है ना। चलिए अब ये क्या आ गया भाई, बहुभ्रूणता, अरे नाम से ही लग रहा है भाई, बहुत सारे भ्रूण पैदा हो गए, नींबू देखे हो ना, सेम है वही चाहिए, नींबू में देखो बहुत सारे छोटे छोटे बीज दिखते हैं,
काट दो तो कड़वा कड़वा सा लग जाता है, बहुत गंदा लगता है, लेकिन इसको याद रखोगे इसी को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाए तो इसी को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। नींबू जाति देख लो भाई, नींबू, नींबू में ऐसा ऐसा जो है दिख नहीं रहा होगा तो दिखा देती हूँ। ये जो है आपका देखो ये बीज है ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा बीज रहता है। नींबू पीना चाहिए, अच्छी बात है ना, सिट्रिक एसिड होता है उसमें। तो ये क्या है आपका नींबू जाति का पौधा, जिसको हम बोलते हैं क्या बहुभ्रूणता का अच्छा उदाहरण। समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जो है क्या, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पुरुषों में वृषण जो होता है उदर गुहा के बाहर होता है। भाई साहब बाहर होता है पुरुष लोग, आपको पता ही होगा है ना, तो भाई क्या कारण है, ये है उसका डायग्राम। आपको सबका पता होना चाहिए कि ये जो आपका ये जो वृषण है, ठीक है, ये क्या है वृषण है, और ये वृषण जो होता है इसमें क्या होता है भाई साहब, वृषण में क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि वृषण में जो आपका जो होता है ना, तो ये टिंगा से लग गया है, मतलब समझ जाओ किसी को पता ही नहीं है ना, बेचारा रो रहा है पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पता हो जाएगा भाई साहब, पता हो जाएगा, रोइए मत, रोइए मत, हम शांत हो जाइए, चलो तो रोइए मत, हम उसको बता ही देते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे कि वृषण जो होता है शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि इस ससुर को तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर की कम जरूरत होती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कम जरूरत होती है शरीर के टेम्परेचर से। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसको किससे कितने की जरूरत होगी, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, मतलब ठंडे की जरूरत होती है इसको। तो ये क्या करता है, इसमें ये यहां पर शुक्राणु जो होता है वो बन जाता है, क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है कम की आवश्यकता पड़ती है। समझ आ रहा है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट जो आते हैं हम, युग्मनज क्या है भाई, सबको पता है, 2 गैमेट आपस में मिले, एक नई कोशिका बनी और युग्मक बना, युग्मक से युग्मनज बन जाता है, ठीक है। मान लो जाए यहां पर हमने लिखा शुक्राणु, लिखा एक ये एक युग्मक बन गया, और यहां पर हमने अंडाणु लिखा, और दोनों में फर्टिलाइजेशन करवा दिया यानी कि निषेचन करवा दिया, और निषेचन से एक नया सेल बन गया, और इस कोशिका को हम क्या बोल दिए, युग्मनज कह दिए, यही तो लिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जायगोसाइट भी बोलते हैं, इसको जायगोट भी कहा जाता है, ठीक है, गैमेट भी, गैमेट से ही बना है युग्मनज, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका, स्वपरागण के 2 लाभ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हानि के बारे में, भाई अब हानि है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लाभ भी पढ़ लेते हैं। तो यहां पर से संतति पौधा शुद्ध मात्र पौधे के ही समान, माता जी के ही समान होता है, तो क्या दिक्कत है, होगा ही भाई, उसी का ही बच्चा है, ठीक है। तो परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, उसी का उसी में जा रहा है फटाफट, तो ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, क्रिया सरल और सुगम है, उसको कहीं उड़ने की जरूरत नहीं है, परागण पर परागण की जरूरत नहीं है, उड़ के वहां से टपकने की जरूरत नहीं है, उसको जल से जाने की जरूरत नहीं है, उसको वायु से जाने की जरूरत नहीं है, कोई कीट ना ले जाए काई फर्क पड़ेगा, ऐसे ही वो जा सकता है, ठीक है। तो सरल व सुगम होता है परागण की अपेक्षा, ठीक है, पर परागण की अपेक्षा। सुगंधित होंगे, रंगीन आकर्षक या मकरंद युक्त होने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है उसकी जरूरत नहीं है, भाई साहब बिना ऊर्जा के भी ऐसे ही काम चल जाना है इसको, ठीक है। तो ये आप लिखोगे स्वपरागण के आपके लाभ में, ठीक है। तो ये था आज का 2 नंबर का जो है 2 अंक का क्वेश्चन, इस तरीके से आते हैं, आपको लिखना है, आपको पढ़ना है मेरे साथ, इसके आगे का पूरा डिटेल आपको जानना है तो कमेंट में लिखिए भाई छाया मैम, बता दीजिए आगे का जो टॉपिक आपको चाहिए, तो इसके आगे का पूरा अगर डिटेल पढ़ना है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन में, पूरे टीचर्स आपको बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस ये हमारा एप्लीकेशन है, आप मेरे साथ जुड़ करके, आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई डिटेल टॉपिक चाहिए तो भी आप यूट्यूब में वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पर कमेंट वाला सेक्शन दिया तो कमेंट भी कर दो फटाफट से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ अच्छे से मेरे साथ पढ़े होंगे, तो धन्यवाद, आगे का सेशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ।